हेलो एवरीवन, वेलकम टू विभास लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए हम लोग आज नीचे आए हैं धूप सेकने, तो पुच्चू को भी लेकर हम आए हैं। बहुत दिन के बाद इसको बाहर निकाले हैं आज। कुछ नहीं करेगा, आराम से वो खेलता है, हाथ में लोगी तो बस मुंह में देखेगा, लगेगा कि बतियावा तो कुल ही जनते हैं। सब बोलता है कछुए की चाल, ये इसका कछुआ का खरगोश का चाल हो गया है। तब वो भागेगा। उठाओ तो भी भागेगा। अब उसको टांग के रखोगी तो क्या होगा? का किया है नाखून? नहीं कुछ नहीं किया है, वो अजीब से टांग रख। ये सब कुछ खिला लेती है। धूप लेने के बाद आए, थोड़ा सा सोए, तब से ये किटुक पापा ड्यूटी से आ गए, तो उनका कपड़ा था धुलना, तो हम गए सुबह तो बहुत ठंडी लगती है, इसलिए हम इसी टाइम उनका पूरा कपड़ा धुल दे रहे हैं, क्योंकि सुबह में उठने भर में ही लेट हो जाता है, तो खाना बनाना भी रहता है और ठंडा भी लगता है। इस टाइम थोड़ा ठंडा कम था, धूप था निकला, तो इसलिए हम उनका पूरा कपड़ा अभी धुल ले रहे हैं। आराम रहता है इस टाइम, धुल के रख देंगे, अपना सूखेगा कल तक। ये मेरा कपड़ा वपड़ा धुला गया है, पूरा उधर का काम कर लिए हैं। अब चल रहे हैं नाश्ता बनाने, जिसमें कि हरा मटर का नाश्ता बनाएंगे। इस टाइम हरा मटर अच्छा आ रहा है और मीठा भी लगता है, तो इसमें ये लहसुन हरा, हरा मिर्ची, हरा धनिया, इसको अब तीनों को सब एक ही में मिक्स करके इसका दरदरा पेस्ट बना लेते हैं। ये हम इसका पेस्ट बना लिए हैं, लहसुन धनिया मटर हरा में, इसी में थोड़ा सा हम इसको पीसते समय इसी में जीरा डाल दिए थे, अब इसमें नमक मिला देंगे थोड़ा सा। नमक मिला दिए हैं, ये हम चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए पैन, और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, ये हरा मटर वैसे भी आजकल इतना अच्छा आ रहा है, एकदम मीठा मीठा, तो इसमें और मसाला वसाला कुछ नहीं पड़ता, बस यही। अब इसको हम टिक्की बनाएंगे, छोटा छोटा गोला गोला, और बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाला, ये एकदम फटाफट से बन जाने वाला नाश्ता है तुरंत, और स्वादिष्ट भी लगता है, जल्दी से बन भी जाता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। एकदम इसको अच्छे से मिला देना, इसमें नमक कम डाले थे और जीरा जो पीसे थे इसमें थोड़ा सा डाल के जीरा, उसको एकदम अच्छे से मिला देंगे। और तेल भी मेरा गरम हो गया है, अब इसको उसमें डालते हैं।
इसको हाथ में लेके ऐसे एकदम अच्छे से गोला शेप दे देंगे, टिक्की आलू की टिक्की की तरह, जैसे आलू का टिक्की बनता है वैसे ही ये मटर का टिक्की, हरे मटर का। इसी तरीके से पूरा टिक्की बना लेंगे। ये देखिए ये हो गया है, इसको अब आराम से पलटेंगे। एक तरफ देखिए क्रिस्पी हो गया है, कैसे पलट देंगे देखिए कितना अच्छा इसका कलर और कितना एकदम क्रिस्पी है, बन जाने पर और अच्छा लगता है। ये देखिए दूसरे साइड से भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसको फिर पका देंगे दूसरे साइड भी। देखिए ये एकदम अच्छे से पक गया है। ये देखिए मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया, मटर की टिक्की बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई कुछ भी टाइम नहीं लगता, पूरा मिला जुला के 10 मिनट लगता होगा पीसने बनाने तक, और टेस्टी बहुत लगता है। आप लोग जरूर बनाइए, बना के देखिए। तो हम लोग का नाश्ता हो गया, अब चल रहे हैं सब्जी वब्जी काटेंगे शाम के लिए। अभी बाहर में मौसम अभी सही है, अभी कोई घबरा नहीं है। आप लोग इसको एक बार जरूर बना के खाइएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये नाश्ता पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, जरूरी है तो ही बाहर निकलिए वरना घर में रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।